दोस्तों आज हम जानेंगे एप्कोस कंपनी की ऑटोमेटिक पावर फैक्टर रिले की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग बटन है, ये एंटर है, ये अप है, ये अप है और ये डाउन है। ये हम इनके जो की हैं उनके बारे में जानेंगे। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये प्रोग्रामिंग वाला बटन है वो दबाएंगे। उसके बाद में प्रोग्रामिंग आ रहा है, फिर एंटर बटन दबाएंगे, एंटर में ये आ रहा है लैंग्वेज, फिर से एंटर दबाएंगे, फिर आ रहा है अपना सिटी प्राइमरी। तो सिटी प्राइमरी के अंदर जो अपनी पावर फैक्टर सेंसिंग के लिए जो रिले लगाते हैं उसका सिटी प्राइमरी इसके अंदर डालेंगे। तो अभी हमारे पास जो रिले है सिटी है यहाँ पे, उसके अंदर अपना 200 है, 200/5 की है। तो हम डाउन वाला बटन दबा के और इसमें 200 एंटर करेंगे। दो सौ होने के बाद में ये अपना 200 हो गया। उसके बाद में अपन फिर से डाउन बटन दबाएंगे, तो ये सिटी सेकेंडरी है। तो सिटी सेकेंडरी के अंदर जो यहाँ पे जो 5 है, तो अपनी 200/5 की है तो ये 5 हो गया। इसको अप डाउन करना हो तो डाउन वाला बटन दबा के चेंज कर सकते हैं। अप वाला फिर अपना 200/5 की है तो अपन 5 रखेंगे। अगर 200/1 की होती तो फिर 1 होता। उसके बाद में फिर से डाउन बटन दबाएंगे, ये अपना है एंड स्टॉप। एंड स्टॉप का मतलब होता है कि अपना कैपेसिटर बैंक कितने स्टेप का है। तो हमारा जो अभी ये पैनल है वो है 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप का है, सॉरी 8 स्टेप का है ये। तो अब हम इसको डाउन वाला बटन दबा के यहाँ पे 8 स्टेप करेंगे, फिर उसके बाद में फिर से एंटर बटन दबाएंगे। ये अपना कॉन्टैक्ट सीरीज है तो इसमें डाउन वाला बटन दबा के, अप वाला बटन दबा के हम ई पे जाएंगे, ई पे। फिर उसके बाद में अपना कंट्रोल मोड आ रही है, इसको हम हमेशा इंटेलिजेंट मोड रखेंगे। फिर अपना आ रहा है पावर स्टेज फर्स्ट KVR। अपना जो पावर फैक्टर पहला जो KVR है वो 1 का है, तो डाउन वाला बटन दबा के और इसको 1 रखेंगे। अपना पहला स्टेप 1 KVR है। फिर से डाउन वाला बटन दबा के 1 हो गया। इसके बाद में आ रहा अपना टारगेट, हम तो इसको 1 रखेंगे। डाउन वाला बटन दबा के इसको 1 पे सेट करेंगे। फिर अपना आ रहा है मैसेज वोल्टेज की, अपना जो कंट्रोल सप्लाई होती है उसका मैसेज वोल्टेज। फिर ये वी कन्वर्टर आ रहा है, ये अब अपना नो रखेंगे। ये डिपेंड करता है अपना कि अपना जो सीटी जो HT कनेक्शन में है या LT में। तो ये अपना LT में कनेक्शन है यहाँ पे तो हमने नो कर रखा है। उसके बाद में आ रहा है स्विच इन, ये कैपेसिटर बैंक को ऑन ऑफ करने का टाइम। ये ऑफ टाइम है, ये डिस्चार्ज टाइम है। इसको भी चेंज करना हो तो अप और डाउन बटन दबा के चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में अलार्म आ रहा है, फिर हारमोनिंग्स आ रहा है साथ में, इसको भी चेंज कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग नो रखना है, ये अपना है। उसके बाद में अब प्रोग्राम बटन दबा के कंट्रोल सीरीज में जाएंगे। तो यहाँ पे अपना पहला है 1 KVR का, दूसरा है अपना यहाँ पे 2 KVR। तो अप वाला बटन दबा के 2 KVR सेट करेंगे, फिर डाउन एंटर दबाएंगे, फिर अपना तीसरा है 4 KVR का, फिर एंटर दबाएंगे, ये भी अपना 5 KVR का है, फिर एंटर दबाएंगे, दूसरा अपना 7 KVR का, ये 7 KVR हो गया। तीस चौथा अपना 7 KVR का, फिर अपना है 15 KVR का। तो 15 के लिए अपन 10 11 12 13 14 15, ये अपना 15 हो गया। फिर लास्ट वाला अपना 15 KVR।
ये फिर एंटर दबा बटन दबाएंगे, प्रोग्राम बटन दबा के वापस जाएंगे अपना। ये मैनुअल मोड है, ये एक्सपोर्ट मोड है। एक्सपोर्ट मोड में अपना एंटर दबा के पासवर्ड होता है 6343, 6343, 43। ये एंटर बेसिक। अब इसमें है ना, बेसिक सेटिंग नो रखना है, रीसेट नो करना है, ऑपरेशन टाइम नो करना है, इंटेलिजेशन टाइम 1 सेकंड रखना है। अपना इसमें है स्विच पावर मैक्सिमम। अपना जो यहाँ पे जो कैपेसिटर बैंक है वो 15 kVA आ रहा है। जो सबसे बड़ा kVA होता है लास्ट वाला, उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है 15 kVA का, वो ऐड कर दिए। ये अपना ट्रिगर वैल्यू रखना है 60%। प्रोग्रामिंग अगर लॉक करना हो तो यहाँ पे यस करके एंटर दबा दीजिए। अब प्रोग्रामिंग लॉक हो गया है। तो ये अपना LNT का पावर फैक्टर रिले के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।